हेलो एवरीवन, मैं मुर्तुजा खान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईपॉन 4 पोर्ट OLT को किस तरह से सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले OLT को ऑन कर लेना है। ये देखें, सॉकेट पे लगा हुआ है पावर केबल। उसके बाद सॉकेट से निकलकर यहाँ पे ऑन वाले ऑप्शन पे लगाइए। ये ऑन पे है, ऑफ पे है, तो ऑन वाले बटन को ऑन कर देना तो ये ऑन हो जाएगा। देन उसके बाद आप चेक कर लेना ये ऑन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए पावर पे लाइट आ रहा है, इसमें थोड़ा कम लाइट आ रहा है क्योंकि इस पे स्टिकर लगा हुआ है, तो यहाँ पे पावर पे लाइट आ रहा है। तो आपको मैं पोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसमें कितने पोर्ट होते हैं। सबसे पहले मैं पॉन पोर्ट को बताता हूँ। इसमें 4 पॉन पोर्ट हैं, 1, 2, 3, 4। इससे आप आउटपुट निकाल सकते हैं फाइबर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे 4 SFP पोर्ट हैं इनपुट के लिए। आप इन SFP इनपुट से दे सकते हैं 1, 2, 3, 4। 4 अपलिंक पोर्ट भी हैं, इनपुट पोर्ट जिसको बोलते हैं 5, 6, 7। इससे RJ45 के थ्रू दे सकते हैं। देन उसके बाद ऑक्स का केबल है और कंसोल केबल है। ऑक्स से आप OLT को ओपन कर सकते हैं और कंसोल से भी ओपन कर सकते हैं। ऑक्स से एक वायर निकाला है मैंने और इसमें मैंने RJ45 लैपटॉप लगा दिया है। देन इसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने का अगर प्रोसेस नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। अब इसके बाद मैं आप सेटअप करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले SFP लगा लेना है। SFP लगाने के बाद एक स्प्लिटर लगाना है। यहाँ पर देखिए स्प्लिटर लगा हुआ है, इसको स्प्लिटर और कैसेट दोनों बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट स्प्लिटर है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक इन का होता है और 8 आउट का होता है, तो इन पे लगा दिया है। देन उसके बाद एक आउट पे निकाल कर मैंने यहाँ पे 351 लगा दिया है। 351 देखिए फोन पे आ रहा है, पावर पे आ रहा है, वैन पे आ रहा है, ये कन्फिगर है, इसलिए वैन पे भी लाइट आ रहा है। उससे पहले हमने यहाँ पे इनपुट दिया है, ये देखिए इनपुट JE5 पे है। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं।